शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। लॉकडाउन में व्यापार और उद्योग हुए चौपट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर एक बार रेपो रेट में 0.4% की कटौती की है। पिछले दो साल में आरबीआई ने 2 से 2.5% तक रेपो रेट घटा चुकी है, लेकिन अब तक आम जनता को इसका प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर एक बार रेपो रेट में 0.4% की कटौती की है। पिछले दो साल में आरबीआई ने 2 से 2.5% तक रेपो रेट घटा चुकी है, लेकिन अब तक आम जनता को इसका प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पाया। रिजर्व बैंक जनता को राहत देने के लिए रेपो रेट कम करती है, लेकिन बैंकों की ओर से लोन पर ब्याज दर में कुछ खास कटौती नहीं की गई। पिछले दो साल में बैंकों ने ब्याज दर में केवल 0.2 या 0.3% की कटौती की है। लॉकडाउन के कारण व्यापार और उद्योग धंधे पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं। नया कर्ज लेना तो दूर, लोग पुराना कर्ज भरने में भी असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जनता को राहत देने और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कर्ज पर ब्याज की रकम कम करने की बहुत आवश्यकता है। जिस हिसाब से पिछले दो साल में आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती की है, उस हिसाब से बैंकों ने ब्याज दर 1 से 1.5% तक कम करनी चाहिए। व्यापार और उद्योग जगत द्वारा भी ब्याज दर कम करने की मांग की जा रही है। अभी व्यापारियों को बैंक 10 से 11% ब्याज दर पर कर्ज दे रही है। हाउसिंग लोन भी 8 से 9% है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस साल जीडीपी ग्रोथ निगेटिव रहेगी, ऐसे में बैंकों को ब्याज दर और कम करनी चाहिए। हेलो, क्या मेरी बात बीसी भरतिया साहब से हो रही है? हाँ जी हाँ, मैं बीसी भरतिया राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स नई दिल्ली बोल रहा हूँ। बिल्कुल भरतिया साहब, मेरा एक सवाल ये था कि लॉकडाउन के कारण जिस तरह से व्यापार और उद्योग धंधे पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं और आम जनता को रेपो रेट है वो कम होने का लाभ भी नहीं मिल रहा है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बात को लेकर? मेरा कहना बहुत स्पष्ट है कि सरकार देना चाहती है और बीच में बैठा है बैंक। सरकार सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती कि ये रेट ग्राहक को लगाओ? जब आप बात करते हैं कि भाई कहीं भी कोई नफा अगर उपभोक्ता को मिलना है, लाभार्थी को मिलना है, और बीच में अगर वह नफा कोई दूसरा खा रहा है, इस केस में बैंक खा रहा है, तो सरकार बैंक के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? अगर लाभार्थी आम व्यापारी है और उसको लाभ नहीं मिल रहा, तो सरकार के पास इतनी मजबूती होना चाहिए कि बैंक को दंड दे कि भाई तूने क्यों नहीं पास आउट किया। ये बैंक की बैलेंस शीट अच्छी करने के लिए थोड़ा हो रहा है, ये हो रहा है कि व्यापारियों को कम ब्याज दर में मिले, तो इसका हमारा विरोध है। यानी आपका साफ साफ ये मानना है कि बैंकों पर आरबीआई का कोई भी नियंत्रण नहीं है? बोलने के लिए तो कानूनन किताबों में होगा, मगर हकीकत में दिशत नहीं जो बोलते ना, हमको कहाँ दिख रहा है? अरे आप गाइडलाइंस दो, ऐसा होता है क्या? आप निर्देश दो, आप मालक हो, ये रेट में क्यों नहीं दे रहे लोग और कार्रवाई क्यों नहीं करते? फिर हाथ पे हाथ रखते क्यों बैठे? अभी सवाल जवाब का समय नहीं है, अर्थव्यवस्था मर रही है, और ऐसे समय आदेश जाना चाहिए कि ये ऐसा होना चाहिए, और जो नहीं करे उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बीसी भरतिया साहब, मेरा एक आखिरी का सवाल आपसे यह है कि आपको लगता है कि सरकार ने इसके लिए अधिनियम लाना चाहिए? इस समय बैंकों के ब्याज दर को नियंत्रित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल सही है, जब सरकार बार बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करती है, तो जब व्यापारियों की बात आती है तो ये बीच में दलाल बैंक कहां घुस गया, मिडिलमैन, ये पूरा हजम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, या फिर हमको ऐसा लगेगा कि पब्लिसिटी खूब हो रही है, हकीकत में कुछ नहीं हो रहा। तो आप थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारी के जुड़े हुए बीसी भरतिया जी, जिन्होंने बखूबी और बेबाकी के साथ फोन लाइन से बातचीत करते हुए इन तमाम पहलुओं पे रोशनी डाला, और इनका ये मानना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, क्योंकि बैंक जो है व्यापारी और आम लोगों के साथ में
एक तरह का छलावा कर रही है। ईश्वर सरकार ध्यान दे, ऐसी बार बार मांग इस समय में बीसी भरतिया इन्होंने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद भरतिया जी। धन्यवाद धन्यवाद। नागपुर से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।